नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। सुल्तानपुर जनपद में सपा नेता पर पुलिसिया कार्रवाई होने से सपाइयों में आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि सुल्तानपुर के लंबुआ कस्बे में सपाइयों की हंगामेदार बैठक हुई, जिसमें सपा नेता पर पुलिसिया कार्रवाई से सपाइयों में काफी आक्रोश दिखा और निंदा भी की गई। वहीं विधानसभा क्षेत्र के तीनों ब्लॉक के अध्यक्षों को जिला अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत भी किया गया। लंबुआ विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई सपाइयों की बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि लंबुआ कोतवाल द्वारा सपा कोषाध्यक्ष शादाब अंसारी पर अनैतिक कार्रवाई की गई, जो निंदनीय है। सपा जिला अध्यक्ष राहुल उपाध्याय ने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल के बढ़ते दामों से आम जनता त्रस्त है, महंगाई चरम सीमा पर है, सरकार की तानाशाही से लोग परेशान है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की जनता विरोधी नीतियों के कारण लोकतंत्र समाप्त होने के कगार पर है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी समाजवादी पार्टी के सक्रिय जितने कार्यकर्ता संगठन के सारे लोग मौजूद थे। पंचायत चुनाव के सारी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से हमको लड़ाई लड़ना है। इस वक्त महंगाई पे क्या कहेंगे, डीजल और पेट्रोल गैस इतना महंगा हो गया कि जनता की कमर टूट गई है। महंगाई पे हम इस समय पेट्रोल गैस डीजल की महंगाई चरम सीमा पे है, इसमें पूर्ण रूप से सरकार नाकाम हो चुकी है। और इतना ज़्यादा महंगाई डीजल पेट्रोल का कर दिया है कि आम जनता पूरी त्रस्त है, सब पूरी बौखलाहट है, सब परेशान है। इन दिनों सोशल मीडिया पर क्षेत्र के विधायक द्वारा लाल टोपी वाला गुंडा बोला जा रहा है, इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? हमारे माननीय विधायक जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पता नहीं क्या उलूल जुलूल भाषा बोल जाते हैं, हम लोग खुद नहीं समझ पाते। लाल टोपी, कभी लाल टोपी वाला गुंडा बोल देते हैं। जो हम समझ पा रहे हैं, लाल रंग खून होता है, उनके कहने का मतलब सारे लोग गुंडे हो गए। ये तो प्रश्न विधानसभा में भी उठा था, माननीय योगी जी ने अखिलेश यादव को सीधा बोला था, उसके उसी प्रक्रिया उसी तहत इस समय सभा में भी योगी जी उठाए थे। तो जैसे मुखिया अगर कुछ बोल जाता है तो उसी को देखकर और उनके जो छोटे नेता हैं वो भी बोलने का प्रयास करते हैं, पूरा चर्चा में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ उलझुलूल भाषा बोलते रहते हैं। इसका जवाब हम 2022 में देंगे। हम इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और अखिलेश भैया को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारा संगठन और हमारे सारे संगठन के कार्यकर्ता पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं, पूरे गांव-गांव जाके समाजवादी पार्टी के सारी नीतियों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और हम लोग भी लगे हैं पूरा 2022 में अखिलेश भैया की दोबारा सरकार बना के और मुख्यमंत्री फिर से दोबारा बनाएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।